दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान फैक्ट्री पे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ मज़ेदार से फैक्ट्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि ब्लू व्हेल का हार्ट बीट हम 2 माइल दूर से भी सुन सकते हैं? कितना मजेदार है ना। हम इंसानों के हार्ट बीट सुनने के लिए हमें स्टेटोस्कोप की मदद लेने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 14। आप लोगों ने बहुत सारे फोबिया के नाम तो सुने होंगे। फोबिया मतलब किसी चीज से डरना। ऐसे ही एक फोबिया होता है चेरोफोबिया, मतलब कि उनको हैप्पीनेस से डर लगता है। आप बोल रहे होंगे कि आप पागल है, क्या बोल रहा है। हाँ, ऐसा फोबिया होता है। फैक्ट नंबर 13। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा लोथा स्पीसीज है जो 200 मिलियन सालों से सर्वाइव करता आ रहा है, जो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। और क्रोकोडाइल के बारे में और एक चीज आपको बता देता हूँ, क्रोकोडाइल एक ऐसा स्पीसीज है जो बुढ़ापे की वजह से नहीं मरता, मतलब वो शिकार की वजह से या फिर कुछ बीमारी की वजह से वो मरता है। फैक्ट नंबर 12। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि हमारा उंगली अकड़ जाता है, जैसा हम सोचते हैं, और हम उंगली को फोड़ते हैं किसी तरह से, टक करके आवाज आता है। कभी मुंडे हिलाके फोड़ते हैं, टक करके आवाज आता है। क्या आपको ये पता है कि वो आवाज कैसे आता है? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे उंगली या फिर जहाँ पे मतलब किसी ज्वाइंट के बीच गैसेस का कुछ पैकेट्स आके जमा हो जाते हैं। वो होते एक्चुअली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस आके वहाँ पे पैकेट जैसा बना देते हैं। और वो टक करके जो आवाज़ होता है ना, वो उसी के रिलीज़ होने पे आवाज़ आता है, और वो रिलीज़ होने के 20 से 25 मिनट के अंदर फिर से वो पैकेट्स बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। ये बड़ा मज़ेदार सा फैक्ट है, सुनना। एक बार क्या है ना कि एक कैनेडियन वुमेन थी जिसको गार्डनिंग का बहुत शौक था, और एक बार वो पौधे पे पानी देते थे या फिर काम करते करते एक बार उनका जो रिंग था, जो हम एंगेजमेंट में पहनते वो रिंग, कहीं खो गया उस गार्डन में। फिर क्या है ना कि वो वुमेन जो थी वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, तो इसलिए उन्होंने एक नकली सा रिंग बना लिया ताकि उनके हस्बैंड को पता ना चले। लेकिन ठीक 13 साल बाद उसी गार्डन पे एक कैरेट पे वो रिंग उठ गया था, मतलब वो जमीन पे कहीं पे था शायद, और कैरेट के वजह से, कैरेट उसके नीचे से उठ रहा था तो रिंग के साथ उठ गया वो। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको यह पता है कि गोल्फ एक ऐसा गेम है जो अर्थ के बाहर भी खेला जा चुका है? 1971 में जो अपोलो 14 का स्पेस मिशन हुआ था, तब एलन शेपर्ड नाम के एस्ट्रोनॉट ने पहली बार गोल्फ खेला था मून पर। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप में से हर किसी ने कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल तो देखा है, लेकिन क्या आपने कभी कुछ नोटिस किया है वहां पे? पीरियोडिक टेबल में हर एक लेटर का यूज किया गया है, लेकिन जे एक ऐसा लेटर है जो पीरियोडिक टेबल में यूज नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप में से हर किसी ने शायद कभी ना कभी हैरी पॉटर मूवी तो देखी होगी। हैरी पॉटर का मेन कैरेक्टर डेनियल जो है, उनका कुछ आई एलर्जी था, उसके वजह से वो ग्लासेस नहीं पहन पाते, और इसलिए उन्होंने सारे मूवी पे ग्लास के बिना ही काम किया। मतलब वो फ्रेम था, वो स्पेक्स का जो फ्रेम वो था, लेकिन उस फ्रेम में ग्लासेस नहीं था, और वो बाद में एनिमेशन में उसे ठीक किया गया। फैक्ट नंबर 7। यार, आप लोगों को तो पता ही है कि जापान दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जापान में ऐसे भी स्कूल है जो लोगों को फनी कैसे रहना वो सिखाते हैं? 1982 पे पहला स्कूल खुला था जापान में, और आज के टाइम साल में करीबन 1000 स्टूडेंट्स वो कोर्स करते हैं वहाँ पे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम जब रास्ता भूल जाते हैं तब हम गूगल मैप ओपन करते हैं और हमें रास्ता मिल जाता है। वो कैसे? वो हमें GPS की मदद से मिलता है, जो हम फ्री यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि GPS को ऑपरेट करने के लिए दिन में लगभग $2 मिलियन खर्च होते हैं, और वो पैसा अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से आता है।
फैक्ट नंबर 5, दोस्तों एक इंसान अपने लाइफ टाइम में जितना चलता है, मतलब पैदल जितना चलता है, अगर हम पूरा काउंट करें तो उससे इतना डिस्टेंस हो जाएगा कि वो लगभग 5 चक्कर लगा सकता है पूरे धरती का। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों स्कॉटलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे स्नो का और भी 400 नाम है, मतलब स्नो के अलावा भी और 400 नाम, जैसे कि स्नो SNOW, फिर आता है फ्लिफी और स्पीटर्स, ऐसे करके और 400 नाम। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये अच्छे से समझना, हम सेकंड को सेकंड ही क्यों कहते हैं। देखिए, हमें पहले मिलता है आवर, आवर को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मिनट, मिनट को सेकंड टाइम हम जब डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा सेकंड, तो हमने सेकंड टाइम डिवाइड किया इसलिए उसका नाम सेकंड हो गया। फैक्ट नंबर 2, ये वाला जो फैक्ट है ना, ये सुन के आप हैरान रह जाओगे। अगर आपको पता चला कि आप इमॉर्टल हो गए, मतलब अमर हो गए, तो आपको कैसा लगेगा? मैंने तो बस आपको मानने के लिए कहा, लेकिन अर्थ में एक ऐसा स्पीसीज मौजूद है, एक टाइप का जेलीफिश है जिसको इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है टोरिटोपोसिस डोर्नी। एक्चुअली ये जेलीफिश जब उसको लगता है कि वो मर रहा है या फिर उसका मरने का समय आ गया है, तो वो अपने सेल्स को फिर से चाइल्डहुड वाले सेल में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे कि वो अपने बचपन में फिर से चला जाएगा और फिर से वो बड़ा होगा, और जब वो मैच्योर हो जाएगा फिर से वो वही साइकिल अपनाएगा, तो हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि वो इमॉर्टल है। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके साइड में जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल में दे देना, ताकि मेरा वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, जब पिरामिड का नाम आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले इजिप्ट का पिरामिड आता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इजिप्ट का पिरामिड कुछ भी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड चोलोला नाम के एक जगह पे मौजूद है, जिसके बेस का बात करें तो वो गीजा की पिरामिड से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा फैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।